इससे पहले की वीडियो में अपन ने भिन्न के बारे में पढ़ा था कि भिन्न क्या होती है, अब हम आपको भिन्न के प्रकारों के बारे में बताएंगे। तो भिन्न मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली है उचित भिन्न, फिर है अनुचित भिन्न, इसके बाद है मिश्र भिन्न। तो मुख्यतः हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी भिन्न तीन प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। सबसे पहले है उचित भिन्न। उचित भिन्न में ध्यान रखना है कि हमारा जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए। जैसे कि हमने उदाहरण लिया 3/4, तो हमारा जो अंश है वो हर से छोटा है। इसी प्रकार 4/7, तो यहाँ भी हमारा अंश है जो हर से छोटा है, तो ये भिन्न अपनी कहलाती है उचित भिन्न। ध्यान में आ गया सभी को? और अगर हम इसको समझें तो जो इसका मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, अर्थात जो 3/4 है वो 1 से कम है, या 4/7 है वो 1 से कम है। तो हम इस तरह से भी उचित भिन्न को पहचान पाते हैं कि वो 1 से छोटी होती है। इसके बाद जो इसका दूसरा प्रकार है वो कहलाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की ये विशेषता होती है कि उसमें अंश का मान या तो हर के बराबर होता है या फिर हर से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए 4/3 या फिर 5/4 या फिर मान लो कोई संख्या है 2/2। तो ये तीनों प्रकार की जो भिन्न है वो अपनी अनुचित भिन्न कहलाती है। मुख्यतः इसमें ध्यान रखना, जो अपना अंश और हर जहाँ बराबर होते हैं वहाँ भी हम इसे अनुचित भिन्न ही मानते हैं। तीसरा प्रकार है भिन्न का, वो है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा 2/1/2, यानी कि इसमें जो एक संख्या होती है वो तो पूर्ण संख्या होती है और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है वो उचित भिन्न का होता है। इसको पढ़ने का तरीका भी देख लेंगे, 2 से ही 1/2 या फिर 3 से ही 1/4। अब इनको जो इनका मान होता है वो इस तरह से होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2+1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 3+1/4। तो मिश्र भिन्न इस तरह के भिन्न अपनी होती है।